नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। दोस्तों, मर्चरी हाउस की तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चाले मर्चरी हाउस की, जहां पर एक व्यक्ति बता रहे हैं दिहाड़ी करके घर लौट रहा था, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ, यहां पर भाई पहुंचे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके भाई? रामचंद्र चौहान। जी जी, तो बता रहे हैं कि क्या दिहाड़ी से लौट रहा था? हाँ जी, दिहाड़ी करके लौट रहा भाई था आपका? दिहाड़ी से लौट रहा था, दिहाड़ी करके लौट रहा था, वापस आ रहा था घर की तरफ। अच्छा, उसको फिर आधे रास्ते से उसको बुला के उसको नहर पे फिर दोबारा ले जाके ये हादसा ऐसे किया है। अच्छा, नहीं क्या हुआ, किसने किया कुछ? जो दो पकड़ा गया है। अच्छा, दो लोग पकड़े गए हैं? हाँ जी। कब हुआ ये पूरा हादसा? ये अभी 11 तारीख को ही रात में ही। अच्छा, रात को हुआ था? हाँ जी। तो ये अभी कोई रंजिश थी किसी के साथ उसकी? कोई क्या था नहीं था ये तो हम नहीं जानते हैं। भाई का नाम क्या था? बहादुर कुमार। बहादुर कुमार, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? पटना जिला। पटना जिला, और यहाँ कहाँ रहते हैं? ज्योति नगर। ज्योति नगर रहते हैं जी। तो भाई कैथल रोड ज्योति नगर। अच्छा, कैथल रोड ज्योति नगर में रहते हो जी। तो ये मतलब जो बता रहे हैं, कितने लोगों ने, आप क्या कह रहे हैं, नहर में फेंका, क्या किया था? इसको मार के नहर में फेंका गया, उसको कबूल भी किया है। अच्छा, कबूल कर लिया है? हाँ जी। अच्छा, कर लिया। दो कितने लोग पकड़े गए हैं अभी? दो पकड़े गए थे, एक को छोड़ दिया गया है। अच्छा, किस आधार से छोड़ा ये हमें नहीं पता है। ये भी नहीं पता? नहीं, क्यों छोड़ा, किस के लिए छोड़ा ये नहीं। उनके साथ कोई रंजिश थी, कोई ऐसी बात कभी भाई ने बताई हो? भाई ने, भाई हमें कुछ नहीं बताता। साथ ही रहते थे आप दोनों? नहीं, हम कहीं और रहते, हम मंडी की तरफ रहते हैं, ये इधर जाते थे। आपको ये नहीं पता कि उसके साथ क्या है, या कोई दोस्त है, या कौन थे? नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता बिल्कुल। और दोस्तों, आपको बता दें कि भाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहादुर कुमार, इस समय आप देख सकते हैं, ये बहादुर कुमार है जो बता रहे हैं 11 तारीख से लापता हो जाता है। इसके बाद 15 तारीख को बता रहे हैं कि जो 15 तारीख को जो है सुबह 5 बजे बता रहे हैं नहर किनारे जो है शव मिलता है। और बता दें तो जो भाई का शव जैसे मिला था, तो ये क्या उस पर कोई चोट के निशान वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिला? ये इस समय रखा था, काला रखा था। अच्छा, यानी चेहरे पर चोट के निशान थे मतलब? अच्छा, अंदरूनी सारी जो यानी कि वो चोटें थी वो सारी लगी हुई थी। तो अभी भाई से कभी कोई बातचीत होती नहीं थी बीच बीच में कि कौन है, किसने किया? कभी नहीं बात होता मतलब था, कोई किसी के साथ कोई बातचीत हुई? कभी नहीं बात होती। वो आता था काम पे से, खाना खाता था, वो सो जाता था, हम भी आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। सुबह दोनों दो टाइम में हम निकल जाते, हम उससे पहले निकल जाते थे, वो सोया ही रहता था। शादीशुदा है भाई? हाँ जी, शादीशुदा, दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं? हाँ जी। वो भी बिहार साथ में वहीं रहते? यही है, सारे यही, सारे परिवार यही है, सारा परिवार यही है, बिहार से आए हैं सारे, सारे यही है, माँ बाप सारे यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल सभी परिवार यहाँ पर जरूर हैं। यहाँ पर आप भी इनके क्या परिवार में ही? आप सारे परिवार? सारे आप परिवार से ही हैं? सब सब परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि दो लोगों को, दो लोग बता रहे हैं यहाँ पर पकड़े जाते हैं। हाँ जी, दो लोग पकड़े गए थे। कबूल लिया था आपके हिसाब से उन्होंने? कबूल रखा जी, कबूल रखा है। तो आप बता रहे हैं छोड़ दिया गया है। किस आधार से छोड़ा ये तो हमें नहीं पता चल रहा ना, सच्चाई नहीं आ रहा सामने, सच्चाई सामने आना चाहिए। बात हुई पुलिस से? बात हुई पुलिस से? अभी बात नहीं हुआ, पोस्टमार्टम के बाद ही पता हमें चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल, पोस्टमार्टम हो रहा है अभी? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम अभी अंदर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो यही बोल रहे हैं कि उनके भाई जो है उसे क्यों मारा गया, वो ये जानना चाहते हैं आखिर क्या ऐसी रंजिश थी कि उनके भाई को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, नहर में फेंक दिया गया। और यहाँ पर जो भाखड़ा नहर है वो बता रहे हैं कि भाखड़ा नहर के अंदर जो है उसे फेंक दिया गया, उसके बाद वहाँ से उसका शव मिलता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज पहले भी सुबह जो है एक जो महिला है जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, नई नवेली दुल्हन थी, उसका चूड़ा डाली का जो है गले में चुन्नी बंधी थी और उसकी भी शव ऐसे ही मिलता है, जिसे फिलहाल हत्या के नज़रिए से साफ तौर पर देखा ही गया है। और ऐसे में इतना ज़रूर है कि ये सारे मामले कहीं ना कहीं किसी रंजिश या किसी ना किसी लड़ाई झगड़े से ज़रूर जुड़े हुए होते हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।